उनको मतलब हाँ, तो मैंने कहा ये जल्दी से, मेरा दुबई का फ्लैट है उसका मैं बता देती हूँ क्यों झूठा टाइटल क्यों है। तो आप वो 7.5-8 लाख रुपए जो है फटाफट वो उसमें मेरा ईएमआई भर देना। आप सोच सकते हो उन्होंने क्या किया होगा भाई दुबई के बाहर में, और एक जुए में हार गए। आप सोच सकते हैं ये मेरी रियल कहानी है। जहर पी के बैठ गई वहां की सारी लड़कियों के साथ, ब्ला 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 किया, वो भी जहर पी के बैठ गई। 4 लड़कियां आई कि तुम्हारी तो ये तो मेरा बॉयफ्रेंड, इसे छोड़ दो। उनको निकाला, झूठा हर जगह मेरी शादी का डिनर है। जब बिग बॉस मराठी से मैं बाहर आई, आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरी मां कैंसर से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, मेरे को शॉक लगा। अरे मेरी माँ, हे भगवान, अभी तो सलमान भाई ने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया था, कैंसर तो मिट गया था, ये सडनली वापस कहां से आ गया, वो एक शॉकिंग था। आने के बाद उनके अफेयर्स वापस, आप जानते हो पति चोर, छोड़ दीजिए उसका नाम, हम किसी को पब्लिसिटी नहीं देंगे, यहां बहुत बना दिया लोगों को। तो उनके साथ अफेयर शुरू हुआ, अब उनसे मैं पैर पड़ रही हूं, मेरे पति को छोड़ दो, पैरे पड़ रही हूं, मिन्नतें कर रही हूं, कौन करेगा, कहीं ना कहीं मेरा घर बस जाए। वहां पे भी कहा उनको, कितनी हर लड़कियों मेरी शादी नहीं हुई है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। अरे फिर मुझे इमिडिएटली, सॉरी से बट मेरी प्रेगनेंसी के बारे में एंड उनके अफेयर के बारे में सब पता चला, तो मैंने अपनी शादी उसे पूछे बगैर ही मैंने मीडिया में अनाउंस कर दी। हालांकि उसे बहुत मार खाई मैंने भाई, बहुत मार खाई मैंने कि तुमने मेरी मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा जो करना है कर दो, मारना है मार दो, मैं तो बताऊंगी, क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा हो गए। इसके बाद उनके सारे पोल खुल गए और दुनिया के सामने सच्चाई आ गई भाई कि मेरी शादी हो गई है। और बस रोज एक 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 नाटक, रोज तमाशे, रोज लफड़े झगड़े। मैं रो रही हॉस्पिटल जाके, आप लोग तो सब साथ में ही थे, लोगों को बता नहीं पा रही हूं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। बाद में सडनली आके कहते मेरी तो शादी नहीं हुई, डिनाए। आप सोच सकते दर्द जो मेरा, शादी डिनाए, मिसकैरेज, मां का मर जाना, एक आधा केस में मुझे जेल जाना, मतलब पुलिस स्टेशन में जाना, हालांकि वहां मेरा कसूर नहीं था। मेरी मां, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देती अगर मेरी मां आज बच गई होती तो। जो पैसे मैं देकर गई थी बिग बॉस मराठी में, वो पैसे उन लड़कियों पे उन्होंने उड़ा दिए। होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, सारी सच्चाई मैं बता रही, मेरे पास सारे प्रूफ है, झूठ नहीं बोल सकता वो झूठा है। और मेरी मां का इलाज नहीं किया यार, अरे मेरी मां को तो बचा लेता यार। अरे पैसे आएंगे जाएंगे, अरे मेरी मां को बचा लेता, मां को नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं मीडिया के सामने आई, सब कुछ बताया भाई, सारी सच्चाई बताई। और क्यों आई बताया, चाहती तो खामोश रह सकती थी। वो लड़कियां सब बाहर आई, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, झूठे शादी का ये कह रही है, तो मेरा हस्बैंड है। अरे मैंने कहा आपने हर चीज छुपाई, हर चीज, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, आपको क्या रखा, आप राखी सावंत के साथ ऐसा सब करेंगे। हाँ मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रही तुम्हारी मार, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा फरेब, मुझे लूटना हर चीज, अब नहीं, अब मेरा जो भी हो देश में जो भी हो, अब मैं उन लड़कियों को बचाऊंगी जिनको तुम लूटते हो, झूठा प्यार का वादा करते हो, झूठे मैसेज करते हो, उनको कहते हो हर एक लड़की को, ढेरों लड़कियों को आई लव यू, आई मिस यू, कहां मिलोगी, यहां मिलोगी, लड़कियां मतलब मेरे पास इतने प्रूफ है, लेकिन लड़कियों ने हाथ पैर मुझे जोड़े कि हमारी शादियां हो गई, अब हम इससे चंगुल से बच गए, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, बस ये प्रूफ लो, बताइए।
उसके बाद एक लड़की ने हिम्मत करी, ईरानी लड़की ने, जो धारा क्या बताइए 376 की जो धारा लगी, अभी वो मैसूर के जेल में है। वो इतनी बड़ी, वो थैंक्स टू दैट गर्ल, लोग मुझे मेरा ड्रामा कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, सारे प्रूफ तुम्हारे सामने दे दिए, झूठ झूठा वो है मैं नहीं, और मुझे ऐसी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, मां मेरी गई है, नया बोलो साहब मैंने बर्बाद मैं हुई हूं, बर्बाद मैं हुई हूं। गाने के बारे में बोलो कुछ, मुझे खुदा पे विश्वास है जो मैंने सहा है, तो ये मेरा गाना दुनिया वालों के लिए एक छोटी सी पेशकश है। एबी बंसल ग्रुप की तरफ से अल्तमस भाई ने जो अमेजिंग गाना गाया है, जो उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, मैंने कहा ये तो मेरे पर ही है, मुदस्सर भाई ने इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया, थैंक्स टू बंसल जी, बंसल भाई, थैंक्स टू सलमान, आपने वो इतना बढ़िया किरदार किया, थैंक्स टू साजिद भाई, ऑल एवरीवन, चाइना एवरीवन, फुल टीम, मैं कोटी कोटी प्रणाम आप सबको करती हूँ, धन्यवाद। देश के सामने एक लाचार बेटी, लाचार लड़की, लाचार बीवी, लाचार इंसान की सच्चाई आप लोग लाए, थैंक यू, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ी।